हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज आप लोगों के साथ मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई हूँ। ये कोई रेसिपी वीडियो नहीं है, ये है एक DIY हेयर केयर ऑयल। और ये हेयर केयर ऑयल जो है आपके बालों पे इतना ज़्यादा फायदा पहुँचाएगा कि मैं बता नहीं सकती। इसको ज़रूर आप लोग पूरा देखिएगा। आजकल की जो लाइफस्टाइल है ना, उसमें हमारे बाल टूटते हैं, झड़ते हैं, कटते हैं, रफ़ हो जाते हैं, डैंड्रफ हो जाता है। इन सारी चीज़ों से फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये जो मैंने तेल बनाया है, इस तेल को आप लोग लगाएंगे तो आपको 100% फ़ायदा पहुंचेगा। लेकिन इसको लगातार आपको एक महीने तक लगाना पड़ेगा, या आप कोशिश करें हफ्ते में 2 दिन कम से कम लगाएं और फिर आप शैम्पू करें और उसके बाद इस हेयर केयर को अपनाएं अपने लाइफस्टाइल में। तो हम जो आज मैंने जो बनाया है ये हेयर केयर ऑयल, वो बहुत ही आसान है बनाना, बिल्कुल ही कोई इसमें झंझट नहीं है। लेकिन इस तेल को लगाने का फ़ायदा इतना ज़्यादा है कि मैं क्या बताऊँ। आप ये समझ सकते हैं कि इसके अंदर विटामिन भी है, मिनरल्स भी है, पोटेशियम भी है और भी कई सारी चीज़ें हैं। आप लोग ज़रूर इसको देखिएगा। और इस हेयर केयर को बनाने के लिए काफ़ी सारा चीज़ नहीं चाहिए, बहुत ही सिंपल चीज़ चाहिए। सबसे पहले तो मैंने 2 कटोरी सरसों का तेल लिया है, 1 कटोरी पहले डाला था और 1 कटोरी बाद में। इसे मैंने थोड़ा गर्म कर लिया और इसमें डाल दिया हिबिस्कस के फूल, जिसको अड़हुल के फूल भी बोलते हैं और ये माता को चढ़ाए जाते हैं या भगवान को चढ़ाए जाते हैं। और ये लाल लाल फूल जितने देखने में सुंदर हैं ना, उतने ही ये आपके बालों के लिए फ़ायदेमंद है। तो ज़रूर इस तेल को बनाइए। यहाँ पर एक बात मैं बता दूँ कि आप कहेंगे कि सरसों के तेल क्यों, कोकोनट ऑयल क्यों नहीं, नारियल का तेल क्यों नहीं। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि सरसों का तेल हमारे जो वेद हैं या हमारे पुराण हैं या हमारे जो बड़े बूढ़े हैं ना, वो कोकोनट से ज़्यादा सरसों का तेल यूज़ करते थे और उससे उनकी स्किन, बाल इतने अच्छे रहते थे। बाल लंबे लंबे, पुराने लोगों के, दादियों के देखिए कितने लंबे लंबे बाल होते थे। वो कोई मॉइस्चराइज़र नहीं लगाते थे फिर भी उनकी स्किन इतनी अच्छी होती थी, क्योंकि वो लोग सरसों का तेल यूज़ करते थे और उससे स्किन कभी फटती भी नहीं है। लेकिन हाँ, उसको यूज करने का तरीका थोड़ा अलग होता है। उसको जैसे आप सरसों का तेल गर्म हो रहा है ना ये, तो उसको आप क्या करें, थोड़ा सा एक बूंद नाक में और नाभि में डाल लें। आप देखिए, आपको कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा सरसों का तेल गर्म कर लिया था, उसमें अड़हुल के फूल डाले हिबिस्कस के, उसमें डाला 1 चम्मच मेथी दाना। मेथी दाना और हिबिस्कस के जो फूल हैं ना, वो दोनों मिल के सरसों के तेल में एक बहुत ही कमाल की चीज़ बनती है और उसको लगाने के फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। आपने आज तक देखा होगा, सब लोगों ने कोकोनट ऑयल में ही यूज़ किया होगा, लेकिन मैं पहली बार शायद सरसों के तेल में बना रही हूँ। हम घर पे भी बनाते हैं इसको और मेरे पास कम से कम 4 से 5 बोतल ऐसी तैयार रहती हैं और हमारे घर में सब लोग लगाते हैं। तो देखिए, इसको हल्का सा पकाना है, जलाना नहीं है। ये देखिए, कुछ इस तरीके से मेथी दाना आपको अंदर दिख रहा होगा और ऊपर से अड़हुल के फूल बहुत सॉफ्ट होते हैं ना, तो वो एकदम तेल से भर गया है। इसे हम क्या करेंगे, थोड़ा ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद इसे हम छान लेंगे किसी और बर्तन में। मैं एक तरीका और आपको बता रही हूँ कि ये जो फूल है वो और मेथी दाना, दोनों को आप क्या करें, मिक्सी में पीस लें एकदम पाउडर की तरह, और उसके बाद सरसों के तेल में इसको डाल के धूप में 15 दिनों के लिए रख दें। उसके बाद आप उस तेल को यूज करें साल भर, आपके बाल एकदम बढ़िया हो जाएंगे, कभी भी नहीं टूटेंगे, ना झड़ेंगे, ना डैंड्रफ होगा। सरसों के तेल में एक थोड़ी सी सरसों वाली स्मेल होती है, लेकिन अगर आप उसको दूर करना चाहते हैं तो आप ये कर सकते हैं, इसके अंदर थोड़ा सा आप केस्टर ऑयल या फिर विटामिन की जो गोली होती है वो डाल दें, जिससे कि थोड़ी सी खुशबू आ जाए। लेकिन मैं बिल्कुल ही कुछ नहीं मिला रही हूँ, छान लिया इसको, अब 1 cc में रख देते हैं। इस तरह से मेरे पास बहुत सारी सीसियाँ तैयार हैं। कभी मौका मिला तो मैं अगले वीडियो में आपको, मैं अपनी जो खजाने हैं वो मैं आपको शेयर करूँगी आपके साथ, और आपको दिखाऊँगी कि मेरे साथ कितने सारे ऑयल हैं, वो भी सरसों के तेल में। मैं कोकोनट ऑयल को अलग से रखती हूँ, उसका यूज़ बिल्कुल ही अलग से करती हूँ, लेकिन जो इस तरह के तेल बनाती हूँ वो बिल्कुल सरसों के तेल में बनाती हूँ। इसे आप रख लें और रखने के बाद हर हफ्ते या हफ्ते में 2 बार आप इसको लेके एकदम सिर पे
अच्छे से इसकी मालिश करें और फिर आपके बाल देखिए क्या कमाल के लगेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो या आपने यूज़ किया हो इसको या किस तरह से यूज़ किया वो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या मुझे भी कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, बिल्कुल ही मैं उसको लूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद।